आज भी ये किस्ती इधर उधर हिलती रहती है, चलती रहती है। कभी दिन के चार चक्कर भी लगते हैं, पांच भी लगते हैं, कभी सालों में एक चक्कर भी नहीं लगता है। अपना मूड है इनका। हम बोलते हैं इसको अपनी भाषा में टाला। अपनी भाषा में बोलते हैं इसको हम टाला। है वो किस्ती है। ये रोटेट घूमता रहता है। घूमता रहता है, कभी चार चार साल भी नहीं घूमेगा, एक जगह पे बैठेगा। कभी दिन के चार पांच चक्कर भी लगते रहेंगे इसके। पानी भी उतना ही पवित्र है। इसके अंदर कोई नहीं जाता ना? कोई नहीं जाता है, कैसे जाए? और गहरा बहुत ज्यादा है। राजा विजय सेन ने इसको नापा भी था रस्सी के साथ, यानी कि 300 फुट रस्सियां डाली थी, लेकिन वो रस्सी नहीं लगी नीचे। तो फिर राजा ने प्रभु से क्षमा भी मांग ली। देवगंगा जो हमारी है तो 4000 साल पहले की बात है। जैसे कलयुग आता है ना, तो ऋषि मुनि फिर जैसे बढ़ जाते हैं। कलयुग तो आ गया, ये तो पापी युग है, इसमें तो हर कुछ होता रहेगा। तो मंदिर किस लिए बनाने हैं? जैसे इंसान के लिए हम किसके दर्शन करें? तब ऋषि मुनियों ने प्राण अपने पत्थर पे छोड़ दिए। जैसे पत्थरों की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति जो है तो इनमें ऋषि मुनियों का वास है। तभी हमारे लिए ये मंदिर बना रखे, ताकि हमारे प्राण इस मूर्तियों पर है। आप हमारे मंदिरों में आकर के हमारा दर्शन करें। ये जगह शास्त्र लाइन से भी जुड़ी हुई है। जैसे पराशर ऋषि ने गंगा पार जाना था ना, तो मत्स्य गंगा गंगा के किनारे नाव लेके खड़ी थी। तो पराशर ऋषि बोलता कि मैंने गंगा पार जाना है। तो बोलता ठीक है ऋषि जी, मैं गंगा पार कर लेती हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो जब बीच नदी में पहुँचते तो पराशर ऋषि उनका हाथ पकड़ लेते हैं। मत्स्य गंगा बोलती है कि नहीं ऋषि, मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मुझे मछली की मुश्किल है। पराशर ऋषि ने तथास्तु कर दी। बहुत अच्छी स्मेल आई, कई कोस दूर जाएगी वो स्मेल। तो पराशर ऋषि ने उनका नाम सत्यावती रखा। तो बोलते मैंने तुझे वेद व्यास नाम का बेटा दे दिया, अत्यंत विद्वान होगा। तो बोलती ठीक है ऋषि जी, कोई बात नहीं, तो आज के बाद सत्यावती नाम रहेगा। सत्यावती बोलती है पराशर ऋषि को कि ऐसी ही झील में आपका निवास हो। Thank you.
किस्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक। तो तब ऋषि जी जब संसार में उतरे, कलयुग आ गया, तो पूरे संसार में इन्होंने चक्कर लगा लिया, तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जो सत्यावती का इनको वरदान मिला हुआ था कि वो झील कहाँ बने और एकांत जगह कहाँ रहे। तो तब पहुँचते भागते दौड़ते दौड़ते फिर इस जगह पे पहुँच गए। तो इधर फिर जैसे गुरु के गज होते हैं, उनके साथ एक गज मार दिया तो वहाँ पानी निकल गया और झील बन गई।